डूम्सडे हंटर इस सीरीज के अंदर हमें स्टोरी बताई जाती है एक अर्थ की, जिसमें एक पोर्टल ओपन हो गया है। ह्यूमंस ने जब इस पोर्टल को देखा तब उन्हें लगने लगा ये एक गेम है। थोड़ा टाइम बीता, ऐसे ही और भी बहुत सारे पोर्टल्स ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर दिखाई देने लगे, जिनके अंदर से हजारों संख्या में मॉन्स्टर्स ने ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर अटैक कर दिया और पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को तहस नहस कर दिया। ह्यूमंस भी काफी ताकतवर थे, उन्होंने किसी तरह से मॉन्स्टर्स ने फाइट की और डेमन लॉर्ड को मार दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा थे, उन्होंने पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को खत्म किया। लेकिन क्योंकि डेमन लॉर्ड मर चुका था, इसी वजह से एक लड़के शेन को रीइंकार्नेशन की पावर मिली। अब वो टाइम में पीछा चुका है, अपोकैलिप्स आने में एक साल बाकी है। इसी टाइम में शेन को खुद को पावरफुल बनाना है और किसी तरह से मॉन्स्टर्स के अटैक को रोकना है। हेलो एवरी फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं अब्राहम। ये है डूम्सडे हंटर का एपिसोड 18। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शर्ट में दिखते हैं शेन ने उन दोनों नौकरानी को हरा दिया है। उनको हराने में शेन ने काफी सारे स्किल्स का यूज किया है, जिन स्किल्स की वजह से शेन की तलवार टूट गई है। क्योंकि शेन को बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी स्किल्स आती है, लेकिन शेन की तलवार इतनी अच्छी नहीं है कि उन स्किल को संभाल सके। जब फ्लावर गोडे से दिखती है तो वो शेन से कहती है, तुम्हारी स्किल बहुत शानदार है, तुम्हारी एज के में देखा जाए तो ये तुम्हें आना बिल्कुल अलग से लगता है। लेकिन अब क्योंकि तुम्हारी तलवार टूट चुकी है, जैसा कि एक स्वॉर्डमैन के लिए कहा जाता है, एक स्वॉर्डमैन की तलवार उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। शेन कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तलवार मुझे एक बोटमैन ने दी थी, आपको जो देना है आप उसको दे दीजिएगा, आप बस मेरे लिए उन दो लोगों को बचा लीजिए। गोडेस कहती है, तुम्हें इतनी जल्दी बचाने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया है मैं उनको बचा लूंगी, तुम्हें बचा लूंगी, मेरे पास में रीइंकार्नेशन की पावर है, मैं उनको फिर से जिंदा कर सकती हूँ अगर वो मर भी जाते हैं तो, तुम बस अभी उस पर ध्यान दो जो मैं तुमसे कह रही हूँ। ये कहते हुए गोडेस अपनी उंगली लेने लगती है, उसकी उंगली के आसपास में कुछ छोटी छोटी तलवार दिखाई देने लगती है। फिर वो गोडेस अपना हाथ सामने की तरफ करती है, उसे ऐसा करते ही वो छोटी छोटी तलवार एकदम से बड़ी हो जाती है और उड़ते हुए शेन के पास में जाती है। फिर गोडेस शेन से कहती है, इनमें से किसी भी तलवार को चुन लो, जो तुम चुनोगे वो तुम्हारी। शेन सोचने लगता है कि साइज तलवार तो बहुत शानदार है, वैसे शानदार तो होनी थी, गॉडेस खुद मुझे आगे से ही गिफ्ट कर रही हैं, ये तलवारें उनके कलेक्शन में से एक है तो ये अच्छी तो होनी है। फिर शेन उस गॉडेस से कहता है, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को कोई अच्छी तलवार नहीं मिली, कोई ऐसी तलवार जो मेरे लिए फिट हो। ये कहते हुए शेन उन चारों तलवारों को बड़े गौर से देखने लगता है। गॉडेस सोच रही होती है, ये तलवार को काफ़ी ज़्यादा गौर से देख रहा है, इसके देखने का तरीका ही काफ़ी अलग सा है। तभी शेन एक तलवार को समझ जाता है और सोचने लगता है, मुझे कौन सी तलवार चुननी चाहिए, सभी तलवारों का बिल्कुल अलग टाइप है। फिर शेन एक ब्लैक तलवार के हाथ लगाता है और फिर कहता है, ये तलवार काफ़ी ज़्यादा शानदार है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, इससे हम किसी को भी एक ही अटैक में मार सकते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पावर्स भी है, ये धीरे धीरे माइंड के ऊपर कंट्रोल कर सकती है, ऐसा मैं नहीं चाहता। ये कहने के बाद शेन उस तलवार को छोड़ देता है। गोडेस सोचने लगती है, ये इसने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, पिछली बार जिसको ये तलवार मिली थी उसने खुद को ही मार लिया था, क्योंकि उसके लिए इस तलवार की पावर बहुत ज़्यादा थी। फिर शेन दूसरी तलवार की तरफ बढ़ता है, जो कि एक फायर टाइप की तलवार है। उसे देखकर शेन कहता है, ये तलवार फायर टाइप की है लेकिन ये मेरी टाइप की नहीं है, मैं इसको ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पाऊंगा। फिर शेन तीसरी तलवार को देखता है, जो कि लाइटिंग टाइप की है, शेन उसके लिए मना कर देता है। फिर चौथी और आखिरी तलवार को देखता है, उसको देखकर शेन को थोड़ा सा अच्छा लगता है। शेन कहता है, ये तो एक मॉडर्न तलवार है, जिसको देख के लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और साथ ही में ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। ये कहने के बाद शेन उसे तलवार उठा लेता है, वो तलवार एक मैन के अंदर होती है। शेन उस तलवार को बाहर निकालता है और फिर कहता है, ये तलवार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसी को चुनता हूँ। फ्लावर गॉडेस शेन से कहती है, तुमने जो तलवार चुनी है वो सबसे ज़्यादा बेकार है, मैंने तुम्हें चार तलवार दिखाई थी जिसमें चौथी वाली सबसे ज़्यादा कमजोर है, इसको तो मैंने भी केवल एक चौक के लिए रखा है कि गिनती में चार हो जाए, वरना इसका मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है, तुम चाहो तो इसे बदल सकते हो। शेन कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, ये तलवार छूने बहुत शानदार है, बिल्कुल मेरी टाइप की है, मैं बिल्कुल भी अपनी तलवार को रिप्लेस करना नहीं चाहता। जब शेन ही लाइन कहता है, गोडेस खुद भी कुछ सोचने लग जाती है। ये गोडेस का एक फ्लैशबैक होता है जिसमें फ्लावर गोडेस ने इस तलवार को पकड़ा हुआ होता है। कोई फ्लावर गोडेस से कहता है, तुम्हें इस तलवार को चुनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास 10 ऑप्शन है, तुम किसी और को चुन लो, ये सबसे ज़्यादा कमजोर है। फ्लावर गोडेस कहती है, नहीं मुझे ये अच्छी लगी, ये छूने में सबसे ज़्यादा अच्छी है और ये मेरे टाइप की है, मैं इसे बिल्कुल भी रिप्लेस करना नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर फ्लावर गोडेस के सामने वाला आदमी हंसने लगता है। इसके बाद में ये छोटा सा फ्लैशबैक खत्म होता है। फ्लावर गोडेस शेन से कहती है, ये एक नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, ये एक अर्थ स्वॉर्ड है जो मुझे मेरे सेक्ट लीडर ने दी थी, ये तलवार मेरे पास में कई हजार सालों से है। ये सुनकर शेन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये तलवार आपके पास में इतने सालों से है, आपका इससे काफ़ी लगाव होगा, मैं इसे रिप्लेस करने के लिए तैयार हूँ, आप इसे वापस ले लीजिए,
तभी फ्लावर गोडेस कहती है, नहीं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हजारों सालों पहले जब मुझे ये तलवार मिली थी तब मैंने काफी ज्यादा गलत काम किए थे। मैंने कुछ ऐसे लोगों की बात मानी जिनकी वजह से मेरा सेट पूरी तरह से खत्म हो गया। इसी वजह से मैं इस तलवार का अब कभी भी यूज नहीं करती हूँ। मेरे लिए तो ये बाकी तलवारें बिल्कुल बेकार है। तुमने इस तलवार को सिलेक्ट किया है तो तुम इसे रख सकते हो। ये कहने का गोडेस अपना हाथ आसमान की तरफ करती है और किस किलो उसके लगती है। तो राय कहती है, इस तलवार का पूरा वजन 8,670 किलो है, लेकिन जो कोई भी इस तलवार को उठाता है उसको इसका वजन बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। लेकिन जब इस तलवार की मदद से तुम किसी को मारोगे तब इनेमी के ऊपर इसका वजन पूरा 8,000 किलो पड़ेगा। इसी वजह से इस तलवार का हर एक स्लैश बहुत ज्यादा खतरनाक है। फ्लावर गोडेस से कहते हुए अपनी स्किल को यूज कर रही होती है, जिससे सेन के हाथ में से ही तलवार छूट जाती है और उड़ते हुए फ्लावर गोडेस के हाथ में आने लगती है। फ्लावर गोडेस आई कहती है, इस तलवार की मदद से तुम कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, डायरेक्ट गॉड से बात होती है इससे। जिसको शेन सोचता है, ये तलवार तो बहुत शानदार है, दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही थी, लेकिन अब सुन के ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बहुत सारी पावर्स है। तभी वो तलवार फ्लावर गोडेस के हाथ में पहुंच जाती है। फ्लावर गोडेस अपने तख्त पे बैठती है और कोई स्किल यूज करती है जिसे उसके आसपास में एक बैरियर बन जाता है। फिर फ्लावर गोडेस उसी तलवार के साथ में बात करने लगती है। वो तलवार से कहती है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पावर है, अगर मैं तुम्हें इस लड़के को दे दूंगी तो वो इसकी मदद से कई सारे लोगों को मार सकता है। ये पावर इसके लिए बहुत ज्यादा हो सकती है, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। वो तलवार कहती है, तुम्हें इसी चिंता की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पावर का एक बड़ा हिस्सा अपने अंदर ही हमेशा के लिए सील करके रखूंगी। जब तक ये लड़का दिमागो रिलेम तक नहीं पहुंचा था तब तक ये पावर हमेशा के लिए सील रहेगी। ये सुनकर फ्लावर गोडेस कहती है, हाँ ये सही है, पावर को सील कर देना काफी अच्छा आइडिया है। अब जाओ और जाकर इस लड़के के साथ में एक नई हिस्ट्री बनाओ। ये कहते हुए फ्लावर गोडेस वापस से उस तलवार को शेन की तरफ फेंक देती है। वो तलवार फ्लावर गोडेस से दूर जाते हुए फ्लावर गोडेस से कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं कुछ गलत काम भी कर देती हूँ या फिर ये लड़का कुछ गलत कर देता है तो भी इसके लिए तुम कभी भी जिम्मेदार नहीं होगी, ये पूरी तरह से मेरे ऊपर होगा। फिर फ्लावर गोडेस शेन से कहती है, अब इस तलवार को तुम अपने पास में रख सकते हो। इस तलवार के अंदर बहुत सारी पावर्स थी, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी पावर को इसके अंदर ही सील कर दिया है। जब तक तुम एक लिमिट तक पावरफुल नहीं हो जाते तब तक तुम इसकी फुल पावर को यूज नहीं कर पाओगे। इससे शेन को कोई भी दिक्कत नहीं होती। शेन खुशी खुशी उस तलवार को पकड़ लेता है और फिर फ्लावर गोडेस से थैंक करने लगता है। फ्लावर गोडेस कहती है, अब तुम मुझे अपने बारे में थोड़ा बहुत बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन है और तुम क्यों आर्मी के साथ ज्वाइन करना चाहते हो। शेन कहता है, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स की काफी टाइम पहले ही एक एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो चुकी है, मैं काफी टाइम से इस दुनिया में अकेला हूँ। मैंने देखा है कई सारे मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर अटैक करते हैं, उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए मैं आर्मी के अंदर ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया है कि मैं मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर सकूँ और किसी भी तरह से बाकी लोगों को बचा सकूँ, मेरे को खुद को किसी और के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। ये सुनकर फ्लावर गोडेस कहती है, तो तुम अनाथ हो, मुझे थोड़ा और अपने बारे में बताओ, मुझे बताओ अनाथ होने पर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शेन कहता है, कुछ खास नहीं, बल्कि काफी सारी परेशानियां कम हो जाती है, हमें किसी के भी खोने का या फिर किसी के मरने का कोई भी दुख नहीं होता, एक फुल फ्रीडम होती है, हम जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट केवल हमारे ऊपर होता है, इसका इम्पैक्ट किसी भी साथ वाले के ऊपर नहीं होता, इसलिए कुछ भी करने से पहले ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। फ्लावर क्वीन कहती है, तुम्हें कुछ कमी तो फील होती होगी। शेन कहता है, केवल दो कमियां हैं, नंबर एक, हमें कभी भी ग्रुप वाली फीलिंग नहीं आती, एक फीलिंग जो किसी के लिए खाना बनाकर या फिर किसी के लिए कोई सेक्रीफाइस कर जो थोड़ी सी खुशी मिलती है वो फीलिंग हमें कभी फील नहीं होती। दूसरी, कभी भी किसी भी तरह का सेलिब्रेशन करने का मन नहीं करता, कोई भी बर्थडे, कोई भी फेस्टिवल, किसी भी चीज़ का कोई मन नहीं करता, क्योंकि हम पूरी तरह से अकेले होते हैं, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। जिसमें फ्लावर गोडेस कहती है, जो तुम कह रहे हो ये सब कुछ मैं बिल्कुल भी फील नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ, तुम चाहो तो फ्लावर गोडेस सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। शेन तुरंत इसके लिए हंक देता है। फ्लावर गोडेस कहती है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया तुमने, मेरे क्लोन्स उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर तुम्हारे दोस्तों को मदद की जरूरत है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे जो होगा वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।